डायबिटीज एक आजीवन रहने वाली बीमारी है। ये एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है जिसमें मरीज के शरीर के रक्त में ग्लूकोज का स्तर बहुत अधिक होता है। जब व्यक्ति के शरीर में पर्याप्त मात्रा में इंसुलिन नहीं बन पाता है तो शरीर की कोशिकाएं इंसुलिन के प्रति ठीक से प्रतिक्रिया नहीं कर पाती हैं। जैसा कि इंसुलिन का बनना शरीर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि ये रक्त से शरीर की कोशिकाओं में ग्लूकोज का संचार करता है। इसलिए जब इंसुलिन सही मात्रा में नहीं बन पाता तो पीड़ित व्यक्ति के बॉडी मेटाबॉलिज्म पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। हम जो भोजन करते हैं उससे शरीर को ग्लूकोज प्राप्त होता है जिसे कोशिकाएं शरीर को ऊर्जा प्रदान करने में उपयोग करती हैं। अगर शरीर में इंसुलिन मौजूद नहीं होता है तो वे अपना काम सही तरीके से नहीं कर पाती हैं और ब्लड से कोशिकाओं को ग्लूकोज नहीं पहुंच पाती है, जिस वजह से ग्लूकोज ब्लड में इकट्ठा हो जाता है और ब्लड में अतिरिक्त ग्लूकोज नुकसानदायक साबित हो सकता है। डायबिटीज 3 तरह की होती है, टाइप 1 डायबिटीज, टाइप 2 डायबिटीज, जेस्टेशनल डायबिटीज जो कि प्रेगनेंसी के दौरान होने वाली हाई ब्लड शुगर की समस्या है। जब शरीर सही तरीके से रक्त में मौजूद ग्लूकोज या शुगर का उपयोग नहीं कर पाता तब व्यक्ति को डायबिटीज की समस्या हो सकती है। आमतौर पर डायबिटीज के मुख्य कारण इन स्थितियों से हो सकते हैं। डायबिटीज के कारण इंसुलिन की कमी, परिवार में किसी व्यक्ति को डायबिटीज होना, बढ़ती उम्र, हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल, एक्सरसाइज ना करने की आदत, हार्मोन्स का असंतुलन, हाई ब्लड प्रेशर, खान पान की गलत आदतें, पीड़ित व्यक्ति के शरीर में बढ़े हुए ब्लड शुगर के अनुसार उसमें डायबिटीज के लक्षण दिखाई देते हैं। ज्यादातर मामलों में अगर व्यक्ति प्री डायबिटीज या टाइप 2 डायबिटीज का पीड़ित हो तो समस्या की शुरुआत में लक्षण दिखाई नहीं पड़ते, लेकिन टाइप 1 डायबिटीज के मरीजों में डायबिटीज लक्षण बहुत तेजी से प्रकट होते हैं और ये काफी गंभीर भी होते हैं। टाइप 1 टाइप 2 डायबिटीज के मुख्य लक्षण ये होते हैं, बहुत अधिक प्यास लगना, बार बार पेशाब आना, भूख बहुत अधिक लगना, अचानक से शरीर का वजन कम हो जाना या बढ़ जाना, थकान, चिड़चिड़ापन, आंखों के आगे धुंधलापन, घाव भरने में बहुत अधिक समय लगना, स्किन इन्फेक्शन, ओरल इन्फेक्शन, वजाइनल इन्फेक्शन। डायबिटीज या मधुमेह के लक्षण दिखने पर डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। डायबिटीज के निदान के लिए इस प्रकार के कुछ टेस्ट कराने की सलाह दी जाती है। डायबिटीज के लिए टेस्ट, A1C टेस्ट, फास्टिंग प्लाज्मा ग्लूकोज टेस्ट, रैंडम ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट, A1C टेस्ट। इस प्रकार का टेस्ट टाइप 2 डायबिटीज के लिए किया जाता है जिसमें मरीज को हर 3 महीने में एक बार ब्लड टेस्ट कराना होता है और इसका एवरेज ब्लड ग्लूकोज लेवल जांचा जाता है। फास्टिंग प्लाज्मा ग्लूकोज टेस्ट हाई ब्लड शुगर की स्थिति को समझने के लिए ये सबसे आम ब्लड टेस्ट है। इस टेस्ट के लिए व्यक्ति को खाली पेट रहते हुए ब्लड सैंपल देना पड़ता है। ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट, इस टेस्ट में भी खाली पेट रहते ही ब्लड सैंपल लिया जाता है। ये टेस्ट करने के 2 घंटे पहले मरीज को ग्लूकोज युक्त पेय पदार्थ पिलाया जाता है। रैंडम ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट, इस प्रकार के टेस्ट में पीड़ित व्यक्ति के ब्लड सैंपल की 4 बार जांच की जाती है। अगर ब्लड शुगर लेवल 2 बार नॉर्मल से ज्यादा पाया जाता है तो प्रेग्नेंट लेडी को जेस्टेशनल डायबिटीज होने की पुष्टि की जाती है। डायबिटीज एक गंभीर बीमारी है जिससे आपको आजीवन परेशानियां हो सकती हैं। डायबिटीज से पीड़ित व्यक्ति को स्वास्थ्य से जुड़ी कई तरह की परेशानियां झेलनी पड़ सकती हैं, लेकिन कुछ सावधानियां बरतकर डायबिटीज की बीमारी से बचा जा सकता है। डायबिटीज के बचाव, कम मीठा खाएं, शक्कर से भरी और रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट वाला भोजन करने से बचें, एक्टिव रहें, एक्सरसाइज करें, सुबह शाम टहलने जाएं, ज्यादा पानी पिए, मीठे शरबत और सोडा वाले ड्रिंक पीने से बचें, आइसक्रीम कैंडीज खाने से भी परहेज करें, वजन घटाएं और नियंत्रण में रहें, स्मोकिंग और अल्कोहल लेने से परहेज करें, हाई फाइबर डाइट खाएं, प्रोटीन का सेवन भी अधिक मात्रा में करें, विटामिन डी की कमी ना होने दें,
डायबिटीज जिसको हम मधुमेह भी कहते हैं, इसको कंट्रोल करना बहुत ही जरूरी है और इसके लिए सही इलाज और सही खान पीन बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज वॉच इंडिया।